फ्रेंड्स, मैं मौर्या पीटी नायगांव म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से हूँ। हम लोग आज कक्षा नवीं का गणित भाग ए का छठवां पाठ आर्थिक नियोजन देख रहे हैं। जैसे कि आपको इस पाठ में दो एक्सरसाइज पहले ही पढ़ाए जा चुके हैं और आर्थिक नियोजन क्या है वो कॉन्सेप्ट भी आपको समझाया जा चुका है। सरल भाषा में कि जो रुपया पैसा कोई कमाता है उसका एक नियोजन करना होता है, योजना बनाना होता है कि हमको वो पैसा कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ खर्च करना है, कितना बचाना है, बचाना है तो कहाँ बचाएं, कहाँ उसको लगाएं कि ज्यादा से ज्यादा फायदा। इन सब चीजों से संबंधित आपको इस पाठ में जानकारी दिया गया था। और वैसे तो आपको ये पाठ बड़ा ही बोरिंग भी लग सकता है आप में से ज्यादातर बच्चों को, और कठिन भी लग सकता है, पर अगर आप 10 साल 15 साल के बाद पलट करके सोचोगे कि हम लोग नौवीं या दसवीं तक जो गणित की पढ़ाई किए उससे क्या सीखे, तो आपको पता चलेगा नहीं यार, वो जो हमने समुच्चय पढ़ा था उसका तो कोई रियल लाइफ में ज्यादा यूज ही नहीं हो रहा है, जो हमने वर्ग समीकरण पढ़ा उसका भी कोई खास उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग ने जो आर्थिक नियोजन पढ़ा था लगता है हमको एक बार फिर से देखना पड़ेगा कि आखिर उसमें क्या सिखाया समझाया गया। ये महत्व है इस पाठ का। तो आई होप आप लोगों को ये पाठ की एक्सरसाइज समझे होंगे। आज हम लोग इसके प्रकीर्ण प्रसंग्रह के सवाल देखने जा रहे हैं कि प्रकीर्ण प्रसंग्रह में जो सवाल है उनको कैसे हल किया जाए। जैसे कि आप यहाँ पर बोर्ड पे देख रहे होंगे, पहला प्रश्न हमेशा विकल्प वाला प्रश्न होता है। विकल्प वाले प्रश्न में क्या जानकारी दिया गया है कि विभिन्न प्रकार के निवेशों के लिए 80 से नियम के अनुसार आयकर की गणना के लिए अधिक से अधिक कितने रुपए की छूट मिलती है। मतलब ये आप जब एक्सरसाइज वगैरह पढ़े होंगे, पाठ में बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं उनको आप पढ़े होंगे, इसका जवाब आप बड़े आसानी से दे सकते हो। क्या क्वेश्चन कह रहा है, विभिन्न प्रकार के निवेशों के लिए, मतलब क्या होता है कि जो हम टैक्स जब आम आदमी नागरिक जो है कमाता है तो उसका एक फर्ज ये होता है गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, आयकर जिसको बोलते हैं, आय पे होने वाला कर देना पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट उसमें भी एक सहूलियत देती है कि कुछ नियम के अंतर्गत अगर आप उस पैसे को कहीं जमा करते हो तो उस पैसे पे आपको छूट मिलती है। हाँ, लेकिन उस छूट की अपनी एक सीमा है और एक नियम है, और वो नियम क्या है, 80C। देखो 80C, ऐसे 80D, 80C, इस तरह से अलग अलग नियम बने हुए हैं। और इस नियम के तहत सरकार क्या कहती है कि आपको आयकर की गणना करते समय, मतलब आपके मम्मी पापा ने कितना कमाया है उस पे अब कितना टैक्स लगेगा, जब उसका कैलकुलेशन किया जाता है तो उसमें ये ध्यान दिया जाता है कि अगर आपने इसके अंतर्गत पैसा जमा किया है कहीं तो आपको कितना छूट मिल सकता है अधिक से अधिक। याद रखिए, अगर कोई 50,000 जमा किया तो 50,000 का ही छूट मिलेगा, नहीं कोई अगर 10,00,000 कहीं जमा कर रहा है तो पूरे 10,00,000 का छूट नहीं मिलेगा। तो उस नियम कह रहा है कि अधिक से अधिक आपको कितना छूट मिल सकता है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, 1.5 लाख रुपए का छूट, 2.5 लाख रुपए का छूट, 1 लाख का छूट या 2 लाख का छूट। तो ये मतलब ऐसा नहीं कि आपको दिमाग से कैलकुलेशन करना है, सीधे सीधे नियम है, नियम आपको याद रखना पड़ेगा। और इसका सही जवाब है 1.5 लाख का छूट। तो आपको परीक्षा में तो ये सब प्रश्न वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं, खाली आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख करके ए लिख दोगे तो सफिशियंट है। और आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो 1.5 लाख रुपए, इस तरह से लिख देंगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी कुछ बच्चे ए बी सी डी कुछ इस तरह से लिखते हैं पता ही नहीं चलता वो ए लिखे हैं कि बी लिखे हैं। तो ऐसे में जब सामने ऐसा उत्तर भी लिख दोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और अदरवाइज खाली स्पष्ट रूप से आप ये लिखे तो भी पर्याप्त है। अब इसी तरह आपको दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति का सन 2017-18 में एक व्यक्ति, अगर आप किताब होगा तो उसमें भी प्रश्न देख सकते हो, एक व्यक्ति का सन 2017-18 में प्राप्त आय का कर निर्धारण
वर्ष निम्नलिखित में से कौन सा होगा? इसमें भी आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए 2016-17, बी 2018-19, सी 2017-18 और डी 2015-16। देखो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर सिर्फ परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अक्सर ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपको नॉलेज के दृष्टिकोण से भी समझना है तो भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई बंदा, कोई व्यक्ति, जैसे मम्मी पापा आपके हैं या कोई भी हो सकता है, वो 2017-18 में उन्होंने कुछ कमाई की है, मतलब उनका हर महीने कुछ पगार आया है, ऐसे पूरे साल भर में कुछ तो आय उनका हुआ, आय मतलब जो कमाते हैं, जो उनको पगार आता है एक सरल भाषा में, आम भाषा में, तो उस पे टैक्स लगता है, कर लगता है, लेकिन कर का जो कैलकुलेशन है सरकार उसी साल नहीं करती है, उसका हिसाब किताब करना कि भैया क्योंकि आप तो साल भर कमा रहे हो तो पहले ही हिसाब कैसे हो जाएगा, या तो भाई जिसकी फिक्स कमाई हो कि हाँ हर महीने इतना पक्का आने वाला है तो उसका हर टोटल 12 महीने का कैलकुलेशन हो सकता है, लेकिन फिर भी सरकार उसमें आपको सुविधा देती है कि आप साल भर इत्मीनान से कमाओ, आपको जितना भरना है भर भी सकते हो टैक्स, लेकिन हम उसका फाइनल हिसाब किताब उस साल नहीं करेंगे। तो उस साल नहीं करेंगे तो आपको एक लॉजिक से सोचो कि तो किस साल हो सकता है, उसके पहले हो सकता है क्या, सवाल ही नहीं उठता है। और उस साल होने में भी दिक्कत है क्योंकि हमें नहीं पता कि मैं अगले महीने में या अगले 4 महीने के बाद कितना कमाने वाला हूँ, शायद कम भी हो सकता है, नौकरी भी छूट सकती है या प्रमोशन हो सकता है और ज्यादा कमा सकता हूँ, तो इसलिए उस साल भी सही सही आकलन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो मतलब इस साल भी पॉसिबल नहीं है, इसके पहले तो बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, लेकिन इसके आने वाले वर्ष में उसका कैलकुलेशन करना पड़ता है, उसका निर्धारण करना पड़ता है। इसके मतलब क्या हुआ कि जो 2017-18 में कमा रहे हो, याद रखो यहाँ 2 साल भले दिख रहा है आपको, लेकिन ये 2 साल की कमाई नहीं है, बल्कि क्या होता है, ये 2017-18 का मतलब होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, मतलब 1 अप्रैल 17 से लेकर के 31 मार्च 18, ऐसा इसका मीनिंग हो रहा है। नहीं तो आप सोचोगे कि 2 साल की बात हो रही है, ये साल एक ही, जैसे आपका स्कूल शुरू होता है, आप जून 2020 में क्लास में उसको अगले 9वीं क्लास में आए, लेकिन आप 9वीं क्लास से निकलते निकलते 2021 आ जाता है, मतलब भले उसमें संख्या 2 साल का दिखाई दे रहा है लेकिन साल तो एक ही होता है। तो वैसे ये कर का वर्ष होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, तो इस वर्ष उसकी गणना नहीं होती बल्कि इसके आने वाले वर्ष में होती है, और आने वर्ष का मतलब होगा 17-18 का आने वाला कौन सा होगा, 18-19। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी 2018-19। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो इसके बाद आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे विकल्प वाले प्रश्न ही 2 ही दिए गए थे और दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। अब दूसरा प्रश्न अगर देखोगे तो फिर से शाब्दिक प्रश्न है, कैलकुलेशन करना है उसका, ऐसे प्रश्नों को बार बार पढ़ना बड़ा जरूरी होता है और उसका मतलब समझ में आना बहुत जरूरी है। और अगर आप सोचोगे तो रियल लाइफ से संबंधित ऐसे प्रश्न होते हैं कि कोई कितना कमा रहा है, उसमें से कितना बचा रहा है, कोई दूसरा बंदा है वो भी कमा रहा है, वो भी बचा रहा है, लेकिन बचाने और कमाने के बीच में फर्क ये होता है कि कोई कहीं बचा के कहीं जमा कर रहा है, कोई बैंक में जमा कर रहा है, कोई शेयर मार्केट में जमा कर रहा है, तो इस तरह से अलग अलग जगह लोग पैसा जमा करते हैं, तो उसमें ये भी निर्णय लेना पड़ता है कि आखिर हमने यहाँ पैसा जमा किया तो हमको यहाँ पैसा का जमा करने में ज्यादा फायदा होगा कि यहाँ पैसा जमा करने में ज्यादा फायदा होगा, तो उसी से संबंधित ये प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। यहाँ पे मैं जानकारी क्या दिया है, श्री शेखर अपनी आय का 60% खर्च करते, मतलब
खर्च कितना करें, मैं प्रश्न नहीं पूरा लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, खर्च वो 60% कर रहे हैं और 300 रुपया क्या कर रहे हैं वो अनाथालय में दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, और उसके बाद 3,200 रुपया बच रहे हैं, मतलब बचत उनका कितना हो रहा है 3,200। हमें क्या ज्ञात करना है, उनकी आय कितनी है, आय हमको ज्ञात करना है। मैंने प्रश्न शॉर्ट में लिख दिया है, आई होप आप समझ जाओगे, किताब आपके सामने होगा, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि जो मिस्टर शेखर हैं, उन जो भी कमा रहे हैं उसका 60% उनका खर्च हो जा रहा है, खर्च मतलब खाने पीने में और कपड़े लत्ते में, पढ़ाई लिखाई में खर्च हो जा रहा है, लेकिन फिर भी बंदा बड़ा दिलदार है, 300 रुपया वो क्या कर रहा है, अनाथालय में दान दे रहा है। अनाथालय समझते हो ना, वहां पे दान दिया जा, कोई बहुत कम लोग दान देते हैं, वो बंदा 300 रुपया दान दे रहा है, और ये सब करने के बाद जो भी उसने कमाया है उसमें से 3,200 रुपया बचत हो रहा है। तो हमें ज्ञात करना है कि उसकी आय कितनी है, आय का मतलब उसका इनकम, इनकम मतलब आमदनी, उसकी आमदनी कितनी है वो हमें ज्ञात करना है। अब ये कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दो, हम मान लेते हैं कि माना श्री शेखर की आय ₹1 है, ऐसा हम मान लेते हैं, मतलब ₹1 वो कमा रहे हैं, ठीक है। अब खर्च 60% कर रहे हैं तो हम खर्च निकालेंगे, देखो ये तो प्रतिशत में दिया है ना, सच्ची सच्ची का कितना खर्च हो रहा है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, इसलिए खर्च बराबर आय का 60%, जो भी उनकी आय हो रही है उसका 60% वो खर्च कर दे रहा है, और उनकी आय तो पहले हमें नहीं मालूम था कितना है, लेकिन अब हमने मान लिया है उनकी आय ₹1 है, तो मतलब एक्स का 60%, और जनरली जब ऐसे लिखा रहता है इसका मतलब हम ऐसे का की जगह गुणे लिखते हैं, और 60% मतलब 60/100, तो ये 0-0 से कट जाएगा। आप इसको और सुविधाजनक करने के लिए 2 से काट सकते हो, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, और 3 × x में गुणा करोगे तो 3x/5, ये उनका खर्च है। अब हमें भले सचमुच में रुपए में नहीं दिखाई दे रहा है, पर यही उनका खर्च है x के रूप में। अब इस सवाल को हल कैसे कर सकते हैं हम, ये ध्यान दो, मैं इस तरह से कर रहा हूं कि कुल आय जो भी उनका है वो बराबर क्या होगा, जो भी वो खर्च कर रहे हैं प्लस जो भी वो दान दे रहे हैं प्लस जो भी उनकी बचत हो रही है, क्योंकि कुल जो उनकी आय हो रही है ना, ये आय कुल मान लीजिए पूरा कुल आय है, तो उसमें से एक बड़ा हिस्सा वो क्या कर रहे हैं, खर्च कर दे रहे हैं, खर्च कर दे रहे हैं, थोड़ा हिस्सा उन्होंने दान कर दिया है, और बचा हुआ जो भी बच रहा है वो उनका बचत हो जा रहा है, ठीक है। तो हमें ये पूरे पैसे को 3 हिस्सों में बांटा गया है, कुछ खर्च हो रहा है, कुछ दान दे रहे हैं, कुछ बचत हो रहा है। ये अगर आपके दिमाग में आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये आपके दिमाग में आ जा रहा है तो ये सवाल बड़ा ही आसान है। अब इसके अनुसार कुल आय के नीचे हम क्या लिख देंगे, एक्स, खर्च अभी हमको समझ में आया है 3x/5, दान कितना दे रहे हैं 300 रुपया, और उनका बचत हो रहा है 3,200। अब इसमें कभी कभी आप 5 से इनमें से किसी एक को काटने के लिए दौड़ जाते हो, गलत माह हो जाएगा। हाँ, इसमें क्या हो सकता है, आपको ये दोनों को जोड़ा जा सकता है, ये 3,500 आ जाएगा। अब आप अपनी सुविधा के लिए अगर ये 5 आपको तकलीफ दे रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, इस 5 को हटाएंगे, हटाने का नियम है कि इधर 5 से अगर गुणा करते हो तो 5 से कट जाएगा, लेकिन ये लोग शांत नहीं बैठने वाले, ये लोग चिल्लाना शुरू कर देंगे, इनको शांत करने के लिए अगर आप इधर 5 से गुणा करोगे, इन सब में 5 से गुणा करना पड़ेगा, मतलब यहाँ 5 से गुणा किए 5x, यहाँ 5 से गुणा किए 5×3x/5, और यहाँ 5 से गुणा किए तो 3,500×5,
मतलब हर जगह हमने 5 से गुणा कर दिया, ये 5 से 5 कट गया, आपको फाइनली क्या मिला 5x बराबर 3x धन 5 का इसमें गुणा कर दो, 5 पचे 25, 5 एम 15 16 17। अब सजाती को एक तरफ ले लेते हैं तो 5x ऋण 3x बराबर 17,500, मतलब 2x बराबर 17,500, इसलिए आपको x का मान कितना आ जाएगा 17,500 बटे 2। इसको आप भाग दोगे तो 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10 और 2 0 0। ये इतना रुपया x का मान आया, मतलब आप उत्तर लिख सकते हो कि इसलिए श्री शेखर की आय, शेखर की आय बराबर, चाहो ऐसे रुपए का चिन्ह डाल सकते हो, रुपए 8,750 या आप 8,750 ऐसा रुपया लिख सकते हो। तो इस तरह से इस सवाल को आसानी से कर सकते हो। मुद्दे की बात आपको ये अगर समझ में आ गया तो सवाल एकदम आसान है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। तो इसमें यही ध्यान देना है कि खर्च हम पहले कैलकुलेट कर लिए, बाद में अगर ये ध्यान में आता है तो इसमें केवल मान रखना है और उसको सरल करना है। अगले सवाल पे आप ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि दो बंदे हैं, वो अपना पैसा लगा रहे हैं अलग अलग जगह, हमको पता करना है किसको ज्यादा फायदा हो रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रियल लाइफ में आप अक्सर जब बड़े हो जाओगे या आपके मम्मी पापा हमेशा इन मुद्दों को लेकर के परेशान रहते होंगे कि हमारे पास इतना बच रहा है, आखिर हम इसको कहाँ पे लगाएं, बैंक में जमा करें कि कहाँ जमा करें कि हमको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, उससे संबंधित आपका तीसरा सवाल है। तो तीसरे सवाल पे हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिस्टर हीरालाल हैं, वो 2,15,000 जो हीरालाल हैं, मैं फिर से प्लस नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये 2,15,000 म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड में इन्होंने डाला तो इनको 2 वर्ष बाद कितना मिल जा रहा है, 3,05,000। ये सिचुएशन एक है, इन्होंने उनके पास इतना पैसा था, इन्होंने कहाँ डाल दिया, म्यूचुअल फंड में, मतलब शेयर मार्केट बहुत जैसा होता है, तो 2 साल के बाद उनको इतना पैसा मिल गया। और एक दूसरे हैं रमणीक लाल भाई साहब, इनका क्या हाल है, इनके पास 1,40,000। अब इस पैसे को इन्होंने क्या किया है, 8% के चक्रवृद्धि ब्याज पर इन्होंने भी 2 वर्ष के लिए क्या कर दिया है, बैंक में रख दिया। तो हमें ज्ञात करना है कि इन दोनों को कितना प्रतिशत लाभ हुआ और किसका लाभ अधिक है, ये आपका मेन क्वेश्चन है। तो इसके आधार पे आपको समझना है कि इसको कैसे किया जाए। ओके, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम हीरालाल के बारे में विचार करते हैं। देखो ऐसे प्रश्न कभी कभी आपको ना कुछ पल्ले पड़े तो आप ये सोचा करो आखिर उसका कौन सा हिस्सा हम आसानी से कर सकते हैं, जो हिस्सा आप आसानी से कर सकते हो कम से कम उसको करो तो कुछ तो नंबर मिल जाएगा। और कभी कभी क्या होता है, उतना करने के बाद आगे का भी चीज समझ में आने लगता है, ये एक फायदा होता है। तो श्री हीरालाल के पास इतना रुपया है, इसको उन्होंने क्या किया है, 2 साल के लिए शेयर मार्केट में डाल दिया, म्यूचुअल फंड,
उनको इतना मिल गया है, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इनको फायदा कितना हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, श्री हीरालाल को प्राप्त लाभ ज्ञात कर लेते हैं। अब हीरालाल को कितना लाभ हो रहा है, 3,05,000 तो उनको मिला, और जमा कितना किए थे, 2,15,000, मतलब उनको कितना फायदा हो गया। आप इसमें से इसको जब घटाओगे तो आपको मिलेगा 90,000। 90,000 का फायदा इनको हो गया शेयर मार्केट में 2 साल के बाद। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, कितना प्रतिशत लाभ हुआ है। इतना तो उनको लाभ हुआ है, प्रतिशत लाभ कैसे निकालोगे, हीरालाल का प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है लाभ बटे कुल पूंजी गुणे 100। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है, मतलब 100 में से कितना हुआ। अगर 100 रुपया लगाए होते मार्केट में तो उनको कितना फायदा होता, तो कितना लाभ हुआ है, 90,000 बटे उन्होंने पूंजी कितना लगाया था, 2,15,000 गुणे 100। ठीक है, अब देखो एक सरल तरीका है कि ये 3 जीरो, ये 3 जीरो को बड़े आसानी से काट दे रहा है, और ये 90 और 215 देखने में थोड़ा डर लगेगा, लेकिन आप देखोगे 5 से काट सकते हैं, तो 5 से इसको काटोगे 18, 5 से इसको 5 और 20, 5 15। अब आपको क्या मिल गया ऊपर, 18 गुणे 100, मतलब 1800 बटे 43। तो देखो इसको भाग देना है, तो हिम्मत नहीं हारना है, आपको भाग रफ में करके लेना है, जादू से परीक्षा में नहीं आएगा, आपको करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप जनरली रफ इस साइड में करना होता, पर यहाँ मैं आगे का सवाल करने वाला हूँ इसलिए इसको यहाँ कर। तो देखो सिंपल तरीके से आप सोचोगे कि 43 में इससे भाग देना है, तो 4 5 20 होता है, 4 4 16, मतलब चौका जा सकता है, तो 4 3 12, 4 4 16 और 4 3 12, 4 6 16, 17। यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 80। फिर से देखो 4 2 8 तो होता है, लेकिन दुनी ले जाएंगे 43 2 86 ज्यादा हो जाएगा, एक कम ले जाएंगे 43 आएगा। इसको आप घटाओगे 10 में 3 घटाओगे 7, 7 में 4 घटाओगे 3, अब आप दशमलव ले जाओगे 0 आएगा। अब आपको सोचना 4 9 36 होता है, मतलब या तो नवैया जाएगा या तो अट्ठे जाएगा। अगर आप नवैया ले जाओगे तो एक्चुअली कैलकुलेशन में बढ़ जाएगा, क्योंकि ये 40 नहीं है बल्कि 43 है, तो हम 8 ले जा रहे हैं, 8 3 24, 8 4 32 और 2 34। याद रखो घटाने पर हमेशा 43 से कम आना चाहिए, 10 में 4 घटाएंगे 6, 6 में 4 घटाएंगे 2 और ये कुछ नहीं, दशमलव ले गए फिर 0 बढ़ा सकते हैं। अब 4 6 24 होता है, मतलब हम छक्का ले जा सकते हैं, तो यहाँ छक्का ले गए, 6 3 18, 6 4 24 और 1 25, तो घटाने पे यहाँ पे 2 आ गया। देखो दशमलव बाद जनरली हम 2 अंक तक ही जाते हैं और उसके बाद रोक देते हैं, तो हमें ये समझ में आया कि हीरालाल जो हैं उनका प्रतिशत लाभ कितना हो रहा है, 41.86%, ये हीरालाल का लाभ। अब हमको विचार करना है, मतलब हीरालाल ने जहां भी पैसा लगाया है उनको लगभग 42% उनको फायदा हुआ है। अब हमको पता करना है कि रमणीक लाल को कितना फायदा हुआ है। इसके लिए तो सिंपल कैलकुलेशन है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, बैंक में पैसा लगाया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अगर पैसा लगाया है तो रमणीक लाल के लिए सिचुएशन क्या बनेगा, अब रमणीक लाल के लिए अगर हमको करना है, एक फॉर्मूला है कि उनका मिश्रधन ज्ञात करना होगा, P1+R/100 / N, एक फॉर्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का, आप अच्छी तरह जानते होंगे। P कितना है, 1,40,000, यहाँ पे 1 धन R/8/100 / 2। याद रखो P मतलब मूलधन, मूलधन मतलब उन्होंने जो पूंजी लगाया है, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर 8%, और कितने समय के लिए लगाया उसको एन लिखते हैं, नंबर ऑफ इयर्स 2।
अब इसका कैलकुलेशन करना है तो इस तरह से कर सकते हो, इसका तिर्यक गुणा करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, 100 का 1 में गुणा 100 और धन 8 108 बटे 100 घाते 2। घाते 2 मतलब वही चीज 2 बार, 108 बटे 100 गुणे 108 बटे 100। यहां पे एक ध्यान देना कि ये 2 जीरो से, तो 2 जीरो बड़े आसानी से कट जाएगा, ये 1 जीरो से भी, ये 1 जीरो को आप काट दोगे। अब इसके बाद आपको कैलकुलेशन इसमें करना है, तो इस तरह से आप सोच सकते हो अब 14 गुणे 108 गुणे 108 करोगे तो आपको यहां पर लगभग प्राप्त हो जाएगा 163,296। ये आपको कैलकुलेशन करके लेना है, ये उनको मिश्रधन है इसलिए रमणीक लाल का को प्राप्त ब्याज कितना हो जाएगा, 163,296 -140,000। तो इसको आप घटाओगे तो आपको लगभग आएगा 23,296। ये इनको फायदा हुआ है 23,296। इसके बाद मुझे मिटाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि एक पेज में पूरा सवाल नहीं आएगा। ये आप दिमाग में रखिए या आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट करके रखिए। हमने क्या देखा, हीरालाल को इतना फायदा हुआ है, रमणीक लाल को अभी हमने सिर्फ ये पता किया कि उनको फायदा कितने रुपए हुए, जैसे यहाँ हीरालाल को कितने 90,000 का लाभ हुआ था और रमणीक लाल को कितना लाभ हुआ है, 23,296। लेकिन हमें पता करना है कि रमणीक लाल को प्रतिशत लाभ कितना हुआ, तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए इसी सवाल में आगे हम बढ़ते हैं कि रमणीक लाल का प्रतिशत लाभ कैसे निकालें। रमणीक लाल का प्रतिशत लाभ अगर आपको ज्ञात करना है, तो पहली बात उनको लाभ जो ब्याज उनको मिला है वही उनका लाभ है 23,296, और उन्होंने कुल पूंजी कितना लगाया है 1,40,000 गुणे 100। ये 2 जीरो तो 2 जीरो से कट गया। अब देखो यहाँ कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है, 1400 है तो इस जीरो के बारे में अभी मत सोचो, आप ये सोचो 14 को हम, ये 14 है, ये 96 है, ये 4 है, मतलब 2 से कट सकता है, 2 7 14, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16। यहाँ 2 से हमने जब इसको काटा तो 700 आया, और 2 से इसको काटा तो 11,648 आया। अब हम सोचते हैं कि इसको क्या 7 से काट सकते हैं, क्या 7 1 कम करेंगे तो 700 आ जाएगा, इसको काटेंगे अगर 7 से तो 7 1 कम 7 4 46, 7 6 42, फिर 4 44, फिर 7 6 42, 2 28, 7 4 28, मतलब हमको अल्टीमेटली कितना आया 1664 बटे 100। बटे 100 है तो इसका मतलब भाग देने में क्या होगा, 0.2 अंक इधर जाएगा, आपको कितना आ जाएगा 16.64%। अब ये देखो ये प्रतिशत लाभ किसका हो गया, रमणीक लाल का, मतलब रमणीक लाल को कितना प्रतिशत लाभ हुआ 16.64, जबकि हीरा लाल को कितना लाभ हुआ था 41.86। तो दोनों का प्रतिशत लाभ हमें मालूम पड़ गया। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, किसको अधिक लाभ हुआ, किसको अधिक प्रॉफिट हुआ, किसका निवेश अधिक लाभदायक था, तो हमको लिखना है कि चूंकि हीरा लाल को अधिक लाभ है, इसलिए हीरा लाल का निवेश अधिक लाभदायक है।
ये उत्तर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आपको उत्तर लिखना है, क्योंकि तो प्रश्न क्या पूछा है उसका जवाब आना बहुत जरूरी है। अगर आप जवाब प्रश्न की भाषा में नहीं दोगे तो नहीं चलेगा। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से ये तीसरा सवाल हुआ कि हमने सबसे पहले हीरालाल को कितना लाभ हुआ वो ज्ञात किया, फिर उसका प्रतिशत लाभ निकालना, उसके बाद हमने देखा कि रमणीक लाल को कितना लाभ हो रहा है, लाभ का मतलब वहां पे हमें ब्याज ज्ञात करना था जो उन्होंने बैंक में पैसा जमा किया था, तो उसके लिए सबसे पहले हमने मिश्रधन ज्ञात किया, फिर हमें ब्याज मालूम पड़ गया, तो जब उनका ब्याज मिला तो वही उनका लाभ है, उस लाभ से हमने उनका प्रतिशत लाभ निकाला, और उसके बाद हमको ये समझ में आया कि रमणीक लाल को ज्यादा कम फायदा हुआ है और हीरा लाल को उनकी तुलना में बहुत अधिक फायदा हुआ। इस तरह लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग जल्दी से आ जाते हैं। चौथा क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपने तीसरा वाला किया है तो उसका थोड़ा सा ही हिस्सा चौथा वाला रिपीट किया गया है। तीसरा वाला देखा जाए तो कई बातें उसमें आपको समझना था, लेकिन चौथा वाला बहुत ही सिंपल है। जो तीसरे वाले का दूसरा घटक आपने किया था, चौथा वाला सवाल सिर्फ सादा सादा वही है, और इनफैक्ट आपने उसको सातवीं आठवीं में वो कैलकुलेशन ऑलरेडी किया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है चौथा सवाल, कि एक बचत खाते में शुरू में 24,000 रुपया था, आरंभ में कितना था 24,000, बाद में क्या किया गया उसमें 56,000 रुपया और जमा किया गया, तो और जमा कितना हुआ है 56,000। याद रखो आपको परीक्षा में ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं इसलिए शॉर्ट में लिख रहा। अब इस पैसे को उन्होंने क्या किया है कि 7.5% के चक्रवृद्धि ब्याज पे जमा कर दिया, तो हमें कितना, तो हमें पता करना है कि 3 वर्ष बाद उनको कितना रुपया मिलेगा, 3 वर्ष बाद कितनी राशि प्राप्त होगी, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, ऐसे प्रश्न में नंबर्स का ध्यान रखना है कि कहीं नंबर्स गलत ना हो जाए लिखते समय। ओके, अब यहां ध्यान दो कि आरंभ में 24,000 रुपया था, बाद में उसमें 56,000 रुपया और जमा किया गया, कुल राशि, कुल जमा राशि कितना हो जाएगा जिसको कि हम मूलधन कहेंगे, तो 24,000 प्लस 56,000, तो 56 और 24 जोड़ के 5, 2, 7, 70, 6, 4, 10, 70, 10, 80,000, इतना रुपया उन्होंने बैंक में जमा किया है, और किस ब्याज दर से, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 7.5%, और कितने समय के लिए किया है 3 वर्ष के लिए, तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है, तो कुल राशि कितना प्राप्त होगा जिसको हम क्या कहते हैं मिश्र धन, ये हमें ज्ञात करना है। तो जैसे पिछले सवाल में रमणीक लाल के लिए हमने कैलकुलेशन किया था, सेम वही, सिर्फ उतना ही काम इसमें करना है कि ए बराबर पी कोष्टक में 1 धन r/100 घाते यह, पी की जगह यहाँ पे 80,000, यहाँ पे 7.5/100 घाते 3, आर की जगह 7.5, एन की जगह पर 3। थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन आपको समझना है, दशमलव की वजह से थोड़ा सा डर लगता है, इसकी दवाई बहुत सिंपल है, इसकी दवाई ये है कि ऊपर नीचे हम 2 का अगर गुणा कर देते हैं, ऊपर नीचे अगर 2 का गुणा कर देंगे तो ये दशमलव निकल जाएगा, जनरली हम 10 का गुणा करते हैं, पर हमको ऐसा लग रहा है कि हम 2 और 7.5 है तो उसका डबल कितना होता है 15, इसका मतलब 2 का गुणा करने से भी काम चल जाएगा। याद रखो आपको नहीं समझ में आएगा तो आप 10 का गुणा कर सकते हो, यहाँ कितना आ जाएगा 15 और यहाँ कितना आ जाएगा 200। अब इसका तिर्यक गुणा करोगे तो यहाँ पे 200 धन 15/200, याद रखो यहाँ 200 लिखना है क्योंकि आदत जैसी होती है, बटे में 100, यहाँ ए का मान कितना आ जाएगा 80,000, और इन दोनों को आप जोड़ दोगे 215/200 घाते 3,
अभी घाते तीन का मतलब तीन बार आप इसको गुणा करना है, 215 बटे 200 गुणे 215 बटे 200 गुणे 215 बटे 200। अब यहाँ आप नोटिस क्या करोगे, ये लास्ट का दो जीरो है तो ऐसे काट दिए, ये लास्ट का दो जीरो है ऐसे काट दिए। अब ये दो जीरो है उसको आराम करना, हाँ दो से इसको काटा जा सकता है, दो चौके आठ, कि दो दुनी चार, कि दो से इसको काटे तो यहाँ 100 आया, और इसको दो से काटे तो 1 आ गया। मतलब अल्टीमेटली आपको क्या बचा, नीचे 100 बच रहा है कोई समस्या नहीं है, ऊपर क्या बच रहा है 215 गुड़े 215 गुड़े 215, तो केवल गुड़ा है, तो आपको समय निकाल के इन तीनों का गुड़ा करना है। जब गुड़ा करोगे तो आपको आएगा 9,38,375 बटे 100 इस तरह से आता है। तो बटे 100 का मतलब कोई समस्या नहीं, दो अंक के पहले आप दशमलव लगा दोगे, 9,938.375 इतना रुपए उनको प्राप्त होंगे। मतलब उन्होंने लगाया कितना, 80,000 रुपया लगाया, और उनको 3 वर्ष के बाद कितना मिल जाएगा, 99,383 रुपया और 0.75 फिर रुपया, लेकिन उसी को हम क्या बोलेंगे, 75 पैसा। तो इस तरह से आप इसका उत्तर लिख सकते हो कि इसलिए 3 वर्ष बाद प्राप्त राशि बराबर कितना हो जाएगा, 99,383.75। तो आप रुपया लास्ट में लिखो या यहाँ रुपये का सिंबल डाल दो तो भी चलेगा। तो इस तरह से बच्चों आज जो मुझे बता दिया गया था पढ़ाने के लिए वो पूरा हो रहा है, और ऐसे भी आपको इस साल के सिलेबस में शुरू के 4 सवाल ही करना है, लास्ट के 4 सवाल नहीं करना है, आपको इस साल के सिलेबस से उसको कट कर दिया गया है। तो ये 4th सवाल बहुत ही आसान था, एक सिंपल कैलकुलेशन था जो कि 7वीं 8वीं में भी आप कर चुके हो। तो आई होप आज आपको जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया होगा। अगर अभी किसी को कोई डाउट है तो प्लीज वो क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ किसी को कुछ पूछना है, हेलो, हाँ जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, इसमें जो पहला है, हाँ उचित विकल्प चुनो पहला, हाँ उसमें जो आया है 80C, हाँ मुझे वो समझ नहीं आया, ये मतलब 80C 80G ये क्या है, ऐसा वो एक नियम बनाया गया, ये नियम बनाया गया, कोई भी जब नियम बनाया जाता है ना तो नियम को एक क्रम से एक नंबर दिया जाता है, जैसे किसी किसी को सजा होता है ना तो दफा 302 दफा 420 उस सजा का अलग अलग कॉलम है, वैसे ही आर्थिक निवेश का जो बजट का नियम बनाया गया है वो एक नियम है। अगर आप पेज नंबर 101 देखोगे किताब में, अब किताब में पेज नंबर 101 देखोगे तो वहां पे उसका डिटेल में उल्लेख किया गया है, 80G एक नियम है। हाँ सर मैं पढ़ी थी लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आया। हाँ उसको समझना ही नहीं, उसको याद रखना है कि 80G नियम क्या कहता है। ये कहता है कि आपने यहाँ पैसा लगाया तो आपको इस पे पूरा छूट मिल जाएगा। 80D नियम क्या कहता है कि आपने कभी मेडिक्लेम में पैसा लगाया तो आपको उस पे छूट मिल जाएगा। 80C जो है, 80C के अंतर्गत बहुत सारे आते हैं, मतलब ये 8-10 अलग अलग क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, इनमें से कहीं भी पैसा अगर आपके मम्मी पापा लगाते हैं तो उसमें उनको गवर्नमेंट बोलेगी कि इस पे हम टैक्स नहीं लेंगे। ओके ओके सर, थैंक यू सर, को याद रखना है, वेलकम। नेक्स्ट तो सर पहले वाले में मतलब पता कैसे चला कि 1.5 लाख रुपए? हाँ उसमें देखो बेटा, उसमें लिखा है ना, बहुत स्पष्ट लिखा है, आप देखो, मैंने बोला ना यही हमको मतलब याद रखना है, क्या लिखा है, सामान्य रूप से निवेश पर धारा 80C द्वारा विविध प्रकार के नियोसों में
अधिक से अधिक 1,50,000 रुपए तक की छूट मिलती है। यह स्पष्ट नियम है कि 1,50,000 तक की, 1,50,000 बोले तो 1.5 लाख, 1 लाख और आधा लाख, ठीक है, उससे ज्यादा का छूट नहीं मिलेगा। ओके सर, समझ गए। सरकार ने वो नियम बनाया है, जब या हर वर्ष ये बजट में परिवर्तन आता है, फरवरी में बजट आता है सरकार का, और उसमें अगर उनको कुछ चेंजेस करना होता तो चेंजेस करते हैं। सर ये पार्ट में कौन कौन सा सिलेबस कटा हुआ है आपने बोला? पार्ट में आपको यही केवल क्वेश्चन, दोनों एक्सरसाइज हैं, 6.1 6.2 दोनों रहेगा, छठा सातवां पांचवां से लेके आठवां तक कट गया। वैसे तो एक एक सर्कुलर के हिसाब से ये पूरा पार्ट ही आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन इस हिसाब से पढ़ाया जा रहा है कि आप अगले साल दसवीं में जाने वाले हो, और दसवीं में तो शायद सब कुछ हालात अच्छे हो जाएंगे, तो सब कुछ पूछा जाएगा, और जब सब कुछ पूछा जाएगा तो उसके लिए नौवीं का सारा ज्ञान भी आपके पास होना चाहिए। तो सर 6 और 7 8 मतलब 3 सवाल भी स्कॉर्डिंग में, 5 से लेकर 8। अच्छा 5 6 7 8। वैसे तो मैं कह रहा हूँ पूरा पाठ कट है, आपको ये भी बता देना। हाँ सर, दसवीं की पढ़ाई अगले साल पूरा पूरा करना है तो उसके लिए नौवीं का पूरा नॉलेज होना चाहिए, और अपने पास समय है तो नॉलेज लेने और देने में कोई बुराई नहीं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी बोलिए सर। अभी आपने बताया 1.5 लाख यानी कि 1,50,000। सर 1 लाख अगर 55,000 रहेगा तो गलत रहेगा ना? गलत नहीं रहेगा, मतलब अगर किसी ने 1,55,000 निवेश किया है तो सरकार बोले, सरकार उसको 1.5 लाख ही मान के चली। आप निवेश करने के लिए कितना भी निवेश कर दो, 10 लाख का निवेश कर दो, लेकिन जब टैक्स में छूट की बात आएगी तो सरकार 1.5 लाख तक का ही छूट मानती है। नेक्स्ट आशीष पूछो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी पूछिए। कौन? अर्जुन सुमित। हाँ बोलो सर। रमणीक लाल का लाभ प्रतिशत बताए ना एक बार। रमणीक लाल का लाभ प्रतिशत तो आया था ना 16.64 उनको पहली बात, जैसे उन्होंने जैसे इस सवाल में बैंक में पैसा जमा किया गया तो उन्होंने कितना जमा किया था? 1,40,000 दो साल के लिए जमा किया था 8% की दर से, तो उनको हमें अंत में पता चला था कि उनको कितना रुपया मिला था, 1,63,296। तो उससे हमें ये पता चला कि उनको ब्याज कितना मिला, 23,296, वही उनका लाभ हो जाएगा। जैसे इस बंदे को कितना मिला, 99,000, तो इस बंदे का ब्याज कितना हो गया, 19,000, तो वैसे उनका ब्याज कितना हुआ था, 23,000 समथिंग। तो उससे उनका हम प्रतिशत लाभ निकाल लिए कि प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बटे पूंजी गुणे 100। उनको लाभ कितना हुआ था, 23,296, पूंजी कितना लगाया था, 1,40,000। कैलकुलेशन करने पे वो तो मैं आपको भाग दे करके दिखाया, लगभग 16.64 आया था। नेक्स्ट। हाँ जी पूछिए सुमित। ओके अभी किसी बच्चे ने हाथ नहीं उठाया, मेरे ख्याल से सभी का डाउट लगभग क्लियर हो गया है, और जिसका अभी भी नहीं होगा, आप वीडियो अगर दोबारा देखोगे YouTube पे लगभग शाम तक लोड कर दिया जाता है, जितनी बार देखोगे उतना आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आप लोगों ने आज का लेक्चर अटेंड किया और ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद, और इसकी जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। धन्यवाद।